चार लड़के सा उन्होंने उदय चुती ने ज्यादती की थी नूर ने। दो बस के भाई है किसी एक ने नहीं की थी दाती बाकी तिन्ना ने की थी। जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ एक बेटी पैदा करना जुर्म है और इनकी आठ बेटियाँ हैं जिनमें से एक बेटी से एक हादसा हो गया है और इनसे जानते हैं तफसील। जी माँ जी, आप बताएंगे कि वाकया क्या कैसे पेश आया और इसकी क्या तफसील है? हाँ नूर ना, मेरी आपी ने क्या जा लैस लै किया, लैस लैन 10 बजे गई तो गली च ना खड़े से मुंडे उन्होंने ना माँ नूर का ना हाथ फाड़ के मूँह दबा के चारे लड़के अंदर लै गए ने। अंदर जा के ते दो ने लातां फड़ लिया ने, एक ने मुँह दबा के ते मुँह कपड़ा बन के एक ने जाती की थी, फिर दूसरे ने की, तीसरे ने। माँ नूर ना लेट हो गई, मैं क्या जे तिकर आई नहीं, मेरी आपी मैं दस दी मैं कॉलेज चो वापस आई हाँ। तुम कॉलेज की कर दे हो? मैं उत्थे ना चाहे मसा ऑफिस का काम करनी हाँ। अच्छा। मैं वापस आई हाँ, आके ते जो आई हाँ 3 बजे तो उन्होंने पुछ कहती मामा जी नूर ना चुप चुप की थी लेट आई है। नूर ने मैं पूछा, मैं कहा नूर तू लेट क्यों आई सै, बोली नहीं। रात हुई है तो इन्हें ना कजन मैं जिन्हें घर काम करनी उन्हों का बेटे ने ना आके मैंने कहा आंटी नूर के नाल ना कोई मसला बनया। रात ना मामू आया उन्होंने नूर ना गल की नूर चुप, दूसरे दिन ना नूर का ना पता लगा नूर की है। नूर ने ना दसिया कि मामा इंज हो गया मेरे नाल मामा तिना ने मेरे बारी बारी किया के सारे गेट चार लड़के सा उन्होंने उदय चुती ने ज्यादती की थी नूर ने। दो बसके भाई है किसी एक अच्छा। ने नहीं की थी दाती बाकी तिना ने की थी। असी रात नू ना रियाजा रमजान असी थाने गए उत्थे परचा करवाया दो दा टाइम सी रेट होया चारे फड़े गए चारे फटे गए तो चलिया मेडिकल करवान गए तो बिच बंदे पै गए मेडिकल ना आते। मैं डॉक्टर को गई तो डॉक्टर ने वालों देखा उन्हें क्या छोटी जी बच्ची तो इस तरह हो गया। उन्हें चेक उन्हें क्या किया कि तिना ने की दो पसके भाई है किसी एक ने नहीं की थी दाती बाकी तिना ने की थी। फिर उन्होंने टेस्ट ना आन दिता असी आ गए 7 दिन साड़ी मेडिकल हस्पताल रोलती रही 7 दिन बाद फिर ठोकर दे गए ठोकर दे जाके करवाया करवा के आए तो उन्होंने मैनू 12 लाख क्या ले लिया शर्त रख लो भी निकाह कर लैन जा क्या साढ़े 4 च कौन निकाह करेगा 30 लाख ले 30 लाख ते बाद चो उन्होंने कहा जी असि 12 लाख देने मैं सिर फाड़ के रोन लग पी मैं मेरी धी की इज्जत 12 लाख तुम पा दी। उन्होंने कहा जरा तुम्हें 12 लाख देना उसी पुलिस नूं डॉक्टर दे के अपने रिपोर्टा करवा लेंगे। सारा कुछ असं अपने हल कर लेंगे। तो दूसरी गल तेरा चाल चलन तेरी बेटिया का चाल चलन एक करदार इन्ना तो अच्छा नहीं है ए गल करके पैसा हासिल कर देना अगर पैसा हासिल कर दे तो असं लोगों को पैसे फड़ के दरबार मिलो पापा का जेन नहीं सही जेन सही हों धिके क्यों खाते कुछ नहीं करते उन्होंने वाले दर्दियाँ काम करते लेकिन ज्यादा नहीं करते उन्ना को करना जिन्ना को खा लेना बस ते बाकी बेटियां पढ़ रही हैं माँ जी
सारियां ने मैं पढ़ा दे। एक मेडिकल करी है जी, एक तेरवी च पढ़ती पई हो। किस दिन पता चलिया जिस दिन महानूर घर आई तुम उसे दिन दस दिता या अगले दिन? नहीं, महानूर ने नहीं दसिया। अच्छा। महानूर तो चोपड़िया ही वटिया, दूसरे दिन जाके पता लगा महानूर दा के महानूर ना ओवी कोई तबीयत सेहत नु कोई फर्क क्या बाहर चढ़िया सी महानूर नु ते रंगे रा पीला होया पया ते उठना रे खुशक खुशक ते फिर ना मेरे को जिधर मैं प्रेस कपड़े कर दी सा उना दे मुंडे ने आके मेनू फिर क्या किना दे मुंडे ने रमजान दिन उन्हें क्या आंटी नूर दे नाल नैसरा हो गया वे। फिर और मामू आया और मामू ने फिर इन्हू पुछया और मामा आई उन्हें इन्होंने प्यार नूर पुछा भी नूर तेरे घर काम करन जांदी सी नूर जिन्हों के घर मैं जाती मेरे नाल जाती सी। फिर उन्होंने पुछया फिर मामू ने लैदा करके नूर को पुछया कि नूर की होया सी। फिर नूर ने दसिया फिर उन्हें नाल लाया रोन ला पे जिन्हों के घर मैं कपड़े प्रेस कर दी सो तो दस दिन बैठ तो ही नहीं ना उठी टेंशन ना भी बन की गया वे। ते माँ जी तारी पहले ही आठ बेटियां ताड़ ते किस तरह गुजरी होगी क्योंकि गरीब वास्ते सिर्फ एक इज्जत ही होंदी है जिदे हाथे रो जी रहा होंदा वे ते ना पैसा है घर दे हालात सारे खुद कमाना ते ताड़े वास्ते तो बहुत मुश्किल हो गया होगा बर्दाश्त करना। कयामत आ गई साडे वास्ते ते मैं बाहर निकलनी लोग मुंह जोड़ जोड़ के गल्लां करदियां आदमी ने ते ओह साडी रस्ते जांदे हो ते कहणगे बर्बाद हो गई इहनां दी कुड़ी मेरी बेटी तो उन्हें भी कॉलेज छोड़ दिया जाना वड्डी ने उन्हें भी कॉलेज छोड़ दिया जी बिल्कुल इस तरह ही है। एक दे नाल इस तरह होया ते दूसरे नु भी डर ते जिस मौके ते असी रहने उत्थे एक बेटी नहीं बर्दाश्त होंदी ते तुहाडा छोटा जिहा इलाका हैगा उत्थे इज्जत छुपाना ते उछालना बहुत आसान हैगा वे ते तुसीं मैनूं दस्सोगे ते उस तों बाद यह सारा वाकया पेश आया महानूर ने तुहानूं दस दिता कि यह सारा सिलसिला रहा उस तों बाद तुसीं पुलिस को गए पुलिस स्टेशन गए ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਸੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖ ਗਈ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੱਜ ਵੇਖ ਗਿਆ ਵਕੀਲ ਵੇਖ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਫਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 12 lakh ਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ अगर 12 lakh तुसी ले लो अगर तुसी नहीं लोगे तो यही 12 lakh असी दे के ते केस खत्म करवा देंगे ओही गल हो खत्म हो गया केस ते एक महीने जेल च रहे जेरे मुलजिम है ने जी उस तो बाद उन्होंने पुलिस ने भी पैसा खवाया जेरे लेबोरेटरी वाले है सफर उधर भी हो भी सारे ने पैसा दिता गया उन्होंने क्या कुछ भी नहीं आया बच्ची ना जाती हुई ही नहीं ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਹਨੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ 7 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਦੁਆ जी नाज़रीन देख सकते हैं आपके जुल्म की इंतहा है बेबसी की इंतहा है एक एक 16 साल बच्ची की इज्जत पे इस तरह से वार किया गया दरिंदों ने चारों ने मिलकर उसकी इज्जत को दागदार किया उसके बाद उनको 12 lakh रुपए दे रहे हैं उनकी इज्जत का मोल लगा रहे हैं कि 12 lakh लेके खामोश हो जाओ जब लेने से इनकार किया गया तो वो कह रहे हैं कि हम ये 12 lakh हम उन लोगों को दे देंगे जो ये रिपोर्ट्स को बदल देंगे पुलिस वालों को लैब वालों को और फिर ये केस ख़त्म कर दिया जाएगा। सो अब हम बात करते हैं महानूर से। महानूर आप बताएंगी कैसे क्या हुआ उस दिन जिस दिन आप बाहर लैस लेने के लिए गई थी क्या टाइम था? 10 बजे का टाइम था मैं लैस लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में पहुंची भी नहीं दुकान तक तो उन्होंने मुझे चारों ने पकड़ के बैठक में ले गए। उनको जानती हैं आप पहले?
वो हमारे गांव के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो वो आप पहले भी अगर कभी बाहर जाती हैं तो रस्ते में चौक में आपको कभी मिले हैं? नहीं, कभी नजर नहीं आए पहले? देखा पहले लेकिन कभी तंग नहीं किया। अच्छा, वो आपको आते जाते हुए देखते हैं हमेशा से, तो कभी उन्होंने आवाज दी हो, फिक्रा कसा हो, कोई गुजरते हुए हंसे हो आपको देखकर, ये मतलब आपको पता चलता हो कि ये जगह ठीक नहीं है, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ हो कभी भी किसी एक जने से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पहला दिन ही था जब उन्होंने इस तरह से किया। चलिए आप बताएं आगे। दो, एक ने मेरे, आतिफ और वासिफ ने मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा बांध दिया था, और फहीमर और फाक ने मेरे टांगों के ऊपर कपड़ा बांध दिया, और बारी बारी पहले वातिफ ने ज़बरदस्ती की, बाद में वासिफ ने ज़बरदस्ती की, फिर फहीम ने की थी। ठीक, उस दौरान आप चिल्लाती रही, उन्होंने आपका मुंह बांधा हुआ था? जी। तो आपने किसी को आवाज़ देने की, उनको मना करने की, आपके मुंह पे कपड़ा रख कर वो आपको फौरन से बैठक में ले गए थे? जी। तो आपको बोलने का भी मौका नहीं मिला उस दौरान? किसी ने आपको देखा हो या इस तरह से मोहल्ले में से किसी ने देखा हो, आपको पता हो कि इस बंदे ने देखा था? जैसे जहाँ पे आप काम करती हो उनका एक लड़का आया कि महानूर के साथ इस तरह से हुआ है, तो उसने शायद पहले देखा हो, तो उसने नहीं रोका होगा उनको? पहले नहीं था देखा, बाद में जब मैं अंदर चले गई पता नहीं देखा उन्होंने कि नहीं, लेकिन उन लड़कों में से ना किसी लड़के ने भाई को फ़ोन करके बताया कैसे उन्होंने लड़की को अंदर काट लिया बैठक में। जब भाई घर आया तो मामा को भाई ने बताया आके। जब आप घर आई तो आते साथ ही आपने अपनी वालदा को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया? नहीं।